हेलो दोस्तों, रियलमी ने रियलमी का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसका नाम रियलमी ओएस है, जो एक एंड्रॉइड बेस्ड कस्टम स्किन है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सबसे पहले रियलमी का जो फ्लैगशिप फोन रहेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, उस फोन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें आपको 855 की तरफ वाई सारा देखने को मिलेगा। तो उसका बाद आपको 2019 के अंदर आपको और भी कुछ फोन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जैसा रियलमी 3 प्रो हो, रियलमी 100 इस तरह का। तो आज आपको ये वीडियो में बोलूंगा रियलमी का जो ये ओएस आएगा, रियलमी ओएस, इसमें आपको क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा और जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग फीचर है वो। तो ये वीडियो कंप्लीट देखते रहिए तो आपको ये सब पता चल जाएगा। तो वीडियो का मेन टॉपिक में जाने का पहले टेक्सॉन चैनल से मैं सम्राट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का लास्ट तक हमारे साथ ही रहेंगे। वीडियो अच्छा लगने पर क्या करना है पता है, वीडियो में प्लीज एक लाइक दे देना है, उसके साथ वीडियो रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानना है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट का आंसर देने का ट्राई करूंगा। उसके साथ चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब है तो थैंक यू। तो रियलमी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रियलमी ओएस के नाम से जाना जाएगा, तो इसका जो टेस्टिंग है, इंटरनल टेस्टिंग, जिसको प्रोजेक्ट एक्स के नाम में पता चल रहा है, तो इसके स्टार्ट हो चुका है। और ये बहुत ही जल्द, मतलब आप सोच लीजिए ये अगस्त है, सितंबर के अंदर आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे रियलमी हर महीने में कुछ ना कुछ प्लान करते रहता है। तो अभी चल रहा है अगस्त की 15 अगस्त, तो ये आपको आने वाली सितंबर महीने में जो नेक्स्ट इवेंट रहेगा रियलमी का, उसके अंदर अगर फ्लैगशिप फोन लॉन्च करेगा जो 64 मेगापिक्सल का, उसके अंदर देख पाएंगे आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग का सबसे पहला जो डिमांड था रियलमी का ये नया ओएस की, स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस, मतलब कलर ओएस 6 में देखेंगे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, बट उतना स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कलर ओएस 6 में आपको आइकॉन देखेंगे काफ़ी कार्टूनिस्ट टाइप का, कितना कार्टूनिस्ट टाइप का, किया फनी सब आइकॉन दिया है, मतलब मुझे काफ़ी खराब लगा ये चीज़। उसके साथ आप नोटिफिकेशन पैनल नमाएंगे तो काफ़ी डिस्टर्बिंग टाइप का, क्या ऐसा टाइल स्टाइल देकर किया वो मुझको अच्छा नहीं लगा। उसके साथ और भी कुछ चीज़, जैसा इसका एनिमेशन, कलर ओएस में जो एनिमेशन है वो मुझको खराब लगा, मतलब काफ़ी आप जिटरी टाइप जो बोल सकते हैं उसकी तरह लगता है मुझको ये कलर ओएस का एनिमेशन, जो मुझको खराब लगा। तो ये सब चीज़ इंप्रूव करना चाहिए अगर स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस देना है तो इस तरह का, मतलब हम लोग चाह रहे हैं जो वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस है उस तरह का एक्सपीरियंस मुझे चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आपको स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस ही मिलेगा, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली आप लोग अगर देखेंगे आसुस का ज़ेनफोन 6G जो लॉन्च किया, Asus ZenFone 6Z जो है उसको ही 6G बोल रहा है, तो उसको भी आपको देखेंगे जो GenUI है वो भी स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस के साथ ही आ रहा है, बट उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर के साथ आ रहा है। तो इस तरह का हम लोग को चाहिए, तो अगर ये होता है तो सबसे अच्छा, अगर नहीं भी होता है स्टॉक लाइक UI के साथ तो भी हम लोग को सबसे पहला चाहिए आइकॉन को फिक्स करना, एनिमेशन को फिक्स करना, ये सब चीज़। सेकेंडली जो चीज़ हम लोग को सबसे डिमांड में है वो है सिक्योरिटी को लेकर ध्यान देना, क्योंकि कलर ओएस 6 में काफ़ी सिक्योरिटी को लेकर फ्लॉज है। सबसे पहला अगर फ्लॉज देखेंगे रियलमी का जो कलर ओएस 6 है, इसमें आपको देखने को मिलेगा टचपल कीबोर्ड। तो टचपल कीबोर्ड जो है वर्ल्ड का सबसे डेंजरस कुछ ऐप्स के अंदर माना जाता है, क्योंकि इससे आपको डेटा का जो लीक होने का टाइप का काफ़ी सारा कॉम्प्लेन आया, बैकडोर एक्सेस है इस तरह का कॉम्प्लेन आया। और उसका साथ और एक प्रॉब्लम है, इसका काफ़ी सारा अनवांटेड ऐड भी आता है ये टचपल कीबोर्ड के साथ। और उसके साथ नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा, जो अननोन कॉल जो है उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब ये रियलमी का ओएस के अंदर, मतलब सॉरी कलर ओएस जो है, कलर ओएस के अंदर आपको अननोन फोन नंबर आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलता है, जस्ट एज लाइक आप बोल सकते हैं ट्रू कलर। तो ये जो सिस्टम है जो आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी के अंदर, तो ये जो ऑप्शन, ये आपको किसी तरह आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा जे आप ये इनेबल कीजिए नहीं कीजिए, आप जब फोन फर्स्ट टाइम लेंगे उसके बाद जब सेटअप करेंगे उस टाइम भी आपको दिखाया नहीं जाएगा ये सब चीज़, बट ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी खराब लगा, क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें आपका मैसेज हो, आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, आपका कॉल हो, आपका रिकॉर्ड हो, सब कुछ ये रीड करते रहता है। तो ये चीज़ कुछ हम लोग को सबसे ज़्यादा इसका फ्लॉज लगा कलर ओएस 6 के अंदर, जो कलर जो रियलमी का ओएस रहेगा वो उसमें ये सब चीज़ नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ भी रियलमी को एक बार ध्यान देना चाहिए। उसके साथ और एक चीज़ जैसा है, रियलमी का जो डिफ़ॉल्ट कलर ओएस में जो सब डिफ़ॉल्ट ऐप्स है, हर ऐप्स में आपको हर तरह का परमिशन एक्सेस देना पड़ता है, नहीं तो आपको किसी तरह आपका जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स है वो ओपन नहीं होता है। जो चीज़ का ज़रूरी नहीं है उसका भी आपको उधर परमिशन देना पड़ता है। जैसा अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, आप अगर गैलरी ओपन करोगे तो गैलरी में आपको क्या होता है, गैलरी में आपका जो
फाइल मैनेजर की एक्सेस, उसका एक्सेस देना पड़ता है, फोटो का एक्सेस, कैमरा की एक्सेस देना पड़ता है, कैमरा के भी एक्सेस जरूरी नहीं होता है, बट उसमें कैमरा की एक्सेस, कॉल का एक्सेस, मैसेज का एक्सेस, सब कुछ का एक्सेस देना पड़ता है। ये मुझको काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ लगा। उसके साथ अगर आप ब्राउज़र खुलेंगे तो ब्राउज़र में आपका हर चीज़ का आपको एक्सेस देना पड़ता है, उसके बाद ब्राउज़र ओपन होता है। जब अगर आप क्रोम देखेंगे, क्रोम में आपको इस तरह का देखने को नहीं मिलता है, आपको कुछ भी परमिशन जरूरी नहीं होता है इनिशियल ओपन करने में, बट उसके बाद अगर आप कुछ डाउनलोड करेंगे तो उस टाइम आपका फाइल का एक्सेस देना पड़ता है, तब वो डाउनलोड होता है। तो ऐसा इधर भी होना चाहिए, रियलमी का जो आने वाली OS है उसके अंदर ये सब चीज़ नहीं रहना चाहिए। और उसका साथ हम लोग का रिक्वेस्ट है, जैसे Xiaomi का MIUI का एक काफ़ी अच्छा चीज़ है, डेटा कनेक्शन रेस्ट्रिक्शन। मतलब आप किसी भी ऐप्स देख लीजिए, उसमें आप आपका ऐप्स का जो इन्फ होता है उधर जाएंगे तो उसमें आपको डेटा कनेक्शन रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। मतलब आप सिम वन सिम टू हो, उसके साथ वाईफाई हो, हर एक चीज़ को आप उधर डिनाई दे सकते हैं। मतलब कोई भी ऐप्स को अगर आप किसी तरह डेटा एक्सेस नहीं देना चाहते तो उसका तीनों ऑप्शन अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपको किसी तरह वो और नेट एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का फीचर भी रियलमी OS के अंदर होना चाहिए। इसको लेकर मैं काफ़ी सारा एरिया में देखा, इस तरह का एक फीचर को मांग है रियलमी OS के अंदर। तो ये सिस्टम अगर आ जाता है तो काफ़ी अच्छा होता है। और उसके साथ जो नेक्स्ट है डार्क मोड, रियलमी कलर OS में अगर देखेंगे, कलर OS 6 में किसी तरह डार्क मोड देखने को नहीं मिलता है। और आज के दिन में आप देखिए हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डार्क मोड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट हो चुका है, क्योंकि आज के दिन में सब फोन में आपको डार्क मोड होने पर क्या होता है, आपके ऊपर तो स्ट्रेस कम भी जाता है, उसके साथ बैटरी सेविंग्स भी होता है, बट इस तरह का फीचर कलर OS में देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग का मांग रहेगा रियलमी का जो खुद का OS होगा उसमें डार्क मोड रहेगा, और एमोलेड डिस्प्ले के साथ डार्क मोड काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है, तो उधर आपको बैटरी सेविंग्स भी देखने को मिलता है एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर और भी ज़्यादा कंपेयर टू IPS LCD। और नेक्स्टली अगर देखेंगे कैमरा UI इंप्रूवमेंट, मतलब कैमरा का देखिए रियलमी का काफ़ी अच्छा होता है, बट कैमरा UI को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि रियलमी का जो कैमरा UI है वो उतना अच्छा नहीं लगा मुझको कलर OS के अंदर। उसमें आपको काफ़ी फीचर जो है वो है, बट आपको ढूंढना पड़ता है इधर उधर से, उसका सब स्लो मोशन जो चीज़ को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि रियलमी का बोलो नहीं तो कलर OS का बोलो उसका एक प्रॉब्लम हो सकता है, कैमरा का सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है हार्डवेयर के साथ, तो ये एक प्रॉब्लम है। बट हम लोग का एक्सपेक्ट रहेगा जो रियलमी का खुद का OS रहेगा उसमें ये फिक्स हो जाएगा, और आप सोच सकते हैं ये कॉन्फर्म फिक्स्ड होगा ही, क्योंकि रियलमी इसको लेकर काफ़ी कॉन्सर्न है, मैं रियलमी का कम्युनिटी के ऊपर भी इसको लेकर कुछ ब्लॉग देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है ब्लोटर। आज के दिन में अगर आप देखेंगे हर एक फ़ोन का कंपनी का अंदर कुछ ना कुछ ब्लोटर रहता है, तो इस टाइम में जाकर रियलमी का OS के अंदर भी कुछ ब्लोटर रहता है, बट ये अगर नहीं रहेगा रियलमी का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो अच्छा होगा, बट अगर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसका साथ साथ हम लोग कलर OS में एक चीज़ देखते हैं, कलर OS में आपको 2-3 एक्स्ट्रा फोल्डर देखने को मिलते हैं, जिसमें टच करने पर आपको कलर OS का जो ऐप्स का जो स्टोर है उसमें आपको ले जाता है, उधर आपको RF ऐप्स को देखने को मिलता है, कैसा कैसा ऐप्स है, क्या काम है, ये सब देखने को मिलता है। तो ये चीज़ नहीं देने पड़ी अच्छा होगा, तो उसमें आपको क्लीन UI देखने को मिलता है, तो इस तरह का भी चीज़ को बारे में रियलमी को सोचना चाहिए। एंड लास्टली डिजिटल वेलबींग, आज के दिन में आप कोई भी एंड्रॉइड बेस्ड OS देख लीजिए उसमें आपको डिजिटल वेलबींग देखने को मिलता है। डिजिटल वेलबींग बेसिकली ये है, आपका जो मोबाइल है, मोबाइल का कितना टाइम स्क्रीन ऑन है, कितना स्क्रीन यूज़ हो रहा है, कौन सा ऐप क्या यूज़ कर रहा है, उसका हर एक डेटा आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह का फीचर आपको रियलमी का व कलर OS के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो ये फीचर भी रियलमी का खुद का जो नया OS आने वाली है उसके अंदर आपको मिलना चाहिए। तो ये भी एक काफ़ी डिमांडिंग चीज़ है, जिसके बारे में रियलमी का जो कम्युनिटी है उधर ही काफ़ी इसके बारे में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो ये चीज़ भी रहना चाहिए। अभी तक ये सब बारे में आप लोगों को सबसे डिमांडिंग जो चीज़ है इसके बारे में बता रहा हूँ ये वीडियो में, बट आने वाली टाइम में इसके बारे में जब और भी लीक आएगा रियलमी OS के बारे में, उस टाइम हम आपको काफ़ी ये सब रिगार्डिंग और भी वीडियो बनाकर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, तो इस तरह का वीडियो मिल जाएगा, और उसके साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए तो हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू, वीडियो लाइक कीजिए और ये वीडियो शेयर करिए फ्रेंड फैमिली मेंबर, फिर नया वीडियो मुलाकात करें, टाटा बाय बाय।